तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्रोथ, ठीक है। देखो ग्रोथ की एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन सेल या टिश्यू या ऑर्गन। सिंपल सी बात है, देखो मान लो मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, ठीक है, मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो वो परमानेंट इंक्रीज है, वो मेरी ग्रोथ है और वो एक परमानेंट इंक्रीज है। मतलब मेरी हाइट जो है वो कम नहीं हो सकती, बिल्कुल परमानेंट है। इंक्रीज हो सकती है पर डिक्रीज नहीं हो सकती, है ना। तो परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन सेल, सेल में या टिश्यू में या ऑर्गन में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रोथ इज अकंपनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कौन सी होती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस? एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेस होंगी, तो वही तो सारा सिस्टम बॉडी में कर रही है ना, वही तो ग्रोथ करवाएंगी, है ना। और इन प्रोसेस में एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेस में किसका यूज होता है? एनर्जी का यूज होता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियो, है ना। हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं अभी? प्लांट फिजियो ही तो पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें यहां पे करनी है प्लांट्स की ग्रोथ की बात करनी है, ठीक है। एनिमल्स की ग्रोथ तो पढ़ेंगे नहीं प्लांट फिजियो में, कौन सी करेंगे? ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है। तो हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी किया था कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो पूरी जिंदगी होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, है ना। हमने बात की थी कि एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है, बट प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, पूरी जिंदगी होती है ना। और क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्लांट में सर्टेन लोकेशन पे क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, और इसी मेरिस्टम की वजह से प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती है, ठीक है। देखो एक सिंपल सा फंडा बना लो, जहां भी ये वर्ड आ जाए ना मेरिस्टम, मेरिस्टम उसका मतलब है सेल क्या है, बहुत ज्यादा डिवाइड कर रही है ना। मेरिस्टम वर्ड आते ही हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि मेरिस्टम मतलब डिवाइडिंग सेल, बात इतनी खत्म है, ठीक है। अब देखो इस टाइप की ग्रोथ को क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ओपन फॉर्म मतलब पूरी जिंदगी जो ग्रोथ ओपन है पूरी, है ना। ऐसे याद रखना इसको कि पूरी जिंदगी अगर ग्रोथ ओपन है, थ्रू आउट लाइफ है, तो हो जाएगी क्या? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब देखो एक प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है और एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब ये ऑलरेडी हम क्या है प्लांट एनेटमी वाले चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ कैसी होगी? जो प्लांट के इनिशियल फेज है ना, प्लांट के बचपन में जो स्टार्ट होगी ना, इसमें प्लांट क्या करेगा? अपनी लेंथ बढ़ाएगा, प्लांट इलोंगेशन, अपनी लेंथ बढ़ाएगा ना। रूट एपिकल मेरिस्टम जो रूट की लेंथ बढ़ाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टम जो शूट की लेंथ बढ़ाएगा, ठीक है। और इधर अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, प्लांट लेंथ की बजाय क्या बढ़ाएगा? अपनी विड्थ बढ़ाएगा, अपनी गर्थ बढ़ाएगा, अपनी मोटाई बढ़ाएगा, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ की वजह से क्या कर रहा है प्लांट? अपनी लंबाई लेंथ बढ़ा रहा है, और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से अपनी मोटाई बढ़ा रहा है, ठीक है। और हमने किया था कि सेकेंडरी ग्रोथ कहां कहां पे होती है? डाइकोट्स में होती है और जिम्नोस्पर्म में होती है, डाइकोट्स में और जिम्नोस्पर्म में, है ना। और आपने देखा होगा कि मोनोकोट्स में, मोनोकोट्स ज्यादा मोटे नहीं होते, बिल्कुल पतले पतले होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है ना। और ये किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टम की वजह से। लेटरल मेरिस्टम, देखो नाम से ही पता लग रहा है, लेटरल मतलब जो लेटरल ग्रोथ कराएगा, विड्थ बढ़ाएगा, है ना। और हमने बात की थी प्लांट एनेटमी वाले चैप्टर में कि वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इसमें आएंगे, है ना। वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम कहां यूज हुए थे? अपने सेकेंडरी ग्रोथ में। अब नेक्स्ट है ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास एक सेल है, हमारे पास एक सेल है, और अब हम बात कर रहे हैं कि उस एक सेल में ग्रोथ कैसे होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर एक सेल की बात करें तो उसमें ग्रोथ की एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही रीजन है, क्या है? कि उसमें अगर, उस सेल में अगर प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि उस सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, मान लो
मैं बोल दूं कि आप मेजर करके बताओ कि उस सेल में कितनी ग्रोथ हुई, है ना। अब यहां दिक्कत क्या है, प्रोटोप्लाज्म को तो डायरेक्टली मेजर कर नहीं सकते, है ना, प्रोटोप्लाज्म को तो हम डायरेक्टली मेजर कर नहीं सकते, तो ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है हाउ टू मेजर ग्रोथ, कैसे करेंगे, फ्रेश वेट से या ड्राई वेट से या लेंथ से या एरिया से या वॉल्यूम से या सेल नंबर से, है ना, जिसमें जैसा सूटेबल होगा वहां पे वो यूज कर लेंगे, है ना, जिसमें जैसा सूटेबल होगा। उसका मतलब क्या है, देखो अगर मेज रूट की बात करें, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, अगर मेज रूट की बात करें तो मेज रूट में हर एक घंटे में, मेज रूट में हर एक घंटे में 17,500 नई सेल्स जो है वो जुड़ जाती है, नई सेल जो है वो बन जाती है ना। तो हमने सेल नंबर की ग्रोथ देख ली कि इतनी ग्रोथ हो रही है एक घंटे में, ठीक है। और वाटरमेलन की बात करें, वाटरमेलन में क्या है, साइज के बेसिस पे ग्रोथ चेक कर रहे हैं हम कि वाटरमेलन का जो साइज है वो कितने तक बढ़ सकता है, 3.5 लाख गुना, 3.5 लाख टाइम्स तक बढ़ सकता है, ठीक है। और पोलन ट्यूब की बात करें तो पोलन ट्यूब तो कॉमन सेंस है, लंबी लंबी सी होती है, तो पोलन ट्यूब में हम ग्रोथ कैसे चेक करेंगे, लेंथ के बेसिस पे, कि कितनी लेंथ इंक्रीज हुई और उसी के बेसिस पे क्या है अब ग्रोथ चेक कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रोथ फेज, नेक्स्ट है ग्रोथ फेज, ठीक है। देखो ग्रोथ फेज यहां पे हमारे पास 3 टाइप के हैं, मेरिस्टमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज, ठीक है। ग्रोथ फेज अपने पास 3 टाइप के, मेरिस्टमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज, ठीक है। अब देखो बिल्कुल इनके नाम से ही सारी बातें कवर हो जाएंगी। देखो मेरिस्टम, मैंने बोला था कि मेरिस्टम वर्ड आते ही क्या याद रखना है, डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टम आते ही डिवाइडिंग सेल, तो मेरिस्टमेटिक फेज में डिवाइडिंग सेल कैसी होंगी, डिवाइडिंग होंगी, बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगी, है ना, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, रूट की तरफ डिवाइड करेंगी, शूट की तरफ मतलब प्लांट की क्या है, लंबाई बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगी उनकी कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनमें प्रोटोप्लाज्म रिच होना चाहिए, क्योंकि उसको खाने पीने के लिए अच्छा सामान चाहिए ना डिवाइड करेंगी तो, और उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होना चाहिए। अब देखो जो सेल डिवाइड कर रही है उसका न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा लेन देन होता है, बहुत ज्यादा, है ना, तो उसमें क्या है, न्यूक्लियस जो है लार्ज होना चाहिए, और सेल वॉल कैसी होनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए। देखो अगर सेल वॉल इसमें सेकेंडरी हो जाए तो सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, तो सेल वॉल अगर हार्ड हो जाएगी तो सेल को डिवाइड करने में क्या है, दिक्कत आएगी, तो इसलिए सेल वॉल कैसी है, प्राइमरी होनी चाहिए। और अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा मतलब खाने पीने का सामान और भी मटेरियल जो है वो इधर से उधर जल्दी जल्दी जाता रहे, इसलिए अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। नेक्स्ट है एलोंगेशन फेज, अब नाम से ही पता लग रहा है, एलोंगेशन मतलब इसमें सेल की क्या होगी, एनलार्जमेंट होगी, है ना, एक तरीके से एनलार्ज करेंगी सेल, ठीक है। और इस टाइप की सेल में क्या होता है, वैक्यूल ज्यादा होते हैं, और सेल वॉल देखो यहां पे सेल वॉल कैसी थी, प्राइमरी हो रही थी, है ना, यहां पे कैसी थी, प्राइमरी, अब सेल वॉल में क्या है, डिपोजिशन होती जा रही है, डिपोजिशन होती जा रही है, और सेल वॉल यहां पे डिपोजिशन हुई और यहां पे सेकेंडरी की तरफ पहुंचती जा रही है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है ये मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन बिल्कुल नाम से ही कवर हो रहा है कि सेल पूरी मैच्योर हो चुकी है, सेल अपनी मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, मतलब सेल अटेन्स मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज जब ही तो अटेन करेंगी जब वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। और सेल वॉल क्या है, थिक हो चुकी है, देखो सेल वॉल यहां पे प्राइमरी थी, फिर यहां पे डिपोजिशन होती गई और यहां तक क्या होगी, सेल वॉल थिक हो चुकी है, बिल्कुल थिक हो चुकी है, मतलब वो डिवाइड करने में अब दिक्कत आएगी, अब डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। और मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन होने लग जाती है, देखो यहां पे हमें प्रोटोप्लाज्म चाहिए था, बहुत अच्छे तरीके से चाहिए था, क्योंकि सेल डिवाइड कर रही थी, है ना, और यहां पे सेल डिवाइड नहीं करेंगी इसके बाद, तो यहां पे प्रोटोप्लाज्म में भी क्या है, मॉडिफिकेशन होने लगी। अब इसका एग्जांपल क्या है, देखो हमने पढ़ा था कि जाइलम में ट्रैकीड और वेसल होती हैं, और वो किस काम आती हैं, वाटर को कंडक्ट करने के काम आती है, तो ट्रैकीड वेसल में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है, वाटर की कंडक्शन करवानी है, ठीक है। तो जैसा भी फंक्शन होगा सेल्स का मैच्योर होने के बाद, है ना, मैच्योर होने के बाद सेल्स
का जैसा भी फंक्शन होगा उसी टाइप से उसमें क्या है प्रोटोप्लाज्म जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो, हमारे पास ब्लैक कलर की दो स्ट्रिप थी, हमारे पास ब्लैक कलर की दो स्ट्रिप थी, एक थी 2 सेंटीमीटर वाली और एक थी 5 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, अब मैं अगर बोल दूं कि इन दोनों में 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई, ठीक है, हमारे पास एक 2 सेंटीमीटर थी, एक 5 सेंटीमीटर थी ब्लैक, और इन दोनों में क्या है ब्लू कलर की 2-2 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई। ठीक है, देखो, अब अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करें तो दोनों में बिल्कुल इक्वल है, इसमें भी 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई, इसमें भी 2 सेंटीमीटर की ही ग्रोथ हुई, एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की इक्वल है ना। और अब रिलेटिव ग्रोथ की बात करें, रिलेटिव ग्रोथ की, तो देखो ये ओरिजिनली कितना था 2 सेंटीमीटर और फाइनल कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, मतलब सीधा सीधा डबल हो गया, सीधा सीधा ये ओरिजिनल से डबल हो चुका है। और ये ओरिजिनली कितना था 5 सेंटीमीटर और फाइनल कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, मतलब ये सिर्फ 5 से 7 सेंटीमीटर, मतलब देख लो अब कितनी परसेंट इसमें ग्रोथ हुई है और इसमें सीधा सीधा डबल हो गया। तो रिलेटिव ग्रोथ इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, ये कुछ है इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखो, तीन वर्ड आते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। हम बिना बात पे इनमें कन्फ्यूज होते रहते हैं कि क्या था, क्यों था, कैसे था। ठीक है, एक सिंपल सा देसी मेथड लगाएंगे और अपनी सारी कन्फ्यूजन दूर। ठीक है, देखो, ये एक छोटा सा बच्चा था, ये बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, अब छोटा सा बच्चा क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसमें सेल्स को जो होंगी वो डिवाइड करेंगी, है ना, वो ग्रो करेगा। ठीक है, और वो ये बड़ा हो गया था। ठीक है, अब देखो, वो बड़ा होगा तो वो कुछ तो बनेगा ना, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या पायलट बनेगा या क्रिकेटर बनेगा, वो कुछ तो करेगा ना। ठीक है, तो देखो, सेल ने ग्रो किया, अब वो मैक्सिमम ग्रो कर चुकी है और अब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल ये इंसान अब क्या है, ये बड़ा हो चुका है, अब ये या तो फॉर एग्जाम्पल ये इंजीनियरिंग करेगा, तो ये इंजीनियरिंग इसका पर्टिकुलर फंक्शन है, अब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो चुका है, ये डिफरेंशिएट हो चुका है, अब ये फर्दर ग्रो नहीं करेगा, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए देखो, सेल ग्रो की और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब ये अपनी इंजीनियरिंग कर रहा है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये अपनी इंजीनियरिंग जो है वो करता जा रहा है। ठीक है, पर इसको बहुत बहुत सालों बाद लगा कि यार क्या बोरिंग जिंदगी चल रही है, कि हर टाइम वही इंजीनियरिंग है ना। तो इसका क्या मन किया कि यार दोबारा से अगर मैं बच्चा बन जाऊं कुछ दिन के लिए तो मजा आ जाए, है ना। इसका क्या मन किया कि थोड़े दिन के लिए मैं दोबारा से बच्चा बन जाऊं तो मजा आ जाए, तो इसने क्या किया, डी का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, है ना, डी का मतलब होता है ब्रेक करना। तो इसने क्या की, डी डिफरेंशिएशन की, मतलब जो डिफरेंशिएशन हो चुकी थी इसने उसको ब्रेक कर दिया और ये थोड़े दिन के लिए दोबारा से बच्चा बन गया, मतलब दोबारा से क्या है ये ग्रोथ कर सकता है। हां, समझ रहे हो ना एक एक बात। ठीक है, अब क्या है, इसके जो भी थे, अब जॉब कर रहा था, कंपनी में जॉब कर रहा था, अब कंपनी वाले इतनी छुट्टी तो देंगे नहीं इसको, ये हमेशा बच्चा बना रहे, है ना, तो कंपनी से लेटर आया कि भाई जल्दी आ जा, तेरे को बहुत दिन हो गए आराम करते, रेस्ट करते, बच्चा बने हुए तेरे को बहुत दिन हो गए, अब जल्दी से आ जा कंपनी में। तो ये क्या किया, फिर से डिफरेंशिएट हो गया, फिर से अपनी इंजीनियरिंग करने लग गया, तो क्या है री मतलब दोबारा से ये डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, अब इसी सिस्टम को क्या है, प्लांट सेल्स से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। देखो, प्लांट सेल थी, प्लांट सेल ने क्या किया, ग्रो किया डिवाइड किया और वो क्या है मैच्योर हो चुकी है। अब मैच्योर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हो गई तो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन, है ना, जैसे वाटर कंडक्शन के या फूड कंडक्शन के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए, अपने अपने अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल क्या है डिफरेंशिएट हो चुके हैं, अब वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, पर फिर क्या हुआ, कुछ सेल्स क्या है, कुछ सेल बोल रहे हैं कि यार नहीं यार दोबारा से हमको डिवाइड करने का थोड़ा मन कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएशन को ब्रेक कर दिया, डी डिफरेंशिएशन, मतलब वो फिर से डिवाइड कर सकते पर वो हमेशा नहीं कर सकते,
शक्ति फिर से दोबारा क्या हो जाएंगी, वो रीडिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, फिर से वो क्या हो जाएंगी, रीडिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, मतलब वो फर्दर फिर से डिवाइड नहीं कर सकती। अब एक टॉपिक आता है प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से खुद का ही एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। मान लो गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों में क्या होगा, हमारी बॉडी से क्या होगा, पसीना निकलेगा, और फिर सर्दियां आ जाएंगी, तो सर्दियों में क्या होगा, हमारी बॉडी में शिवरिंग होगी, कंपन होगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी एनवायरमेंट के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है, गर्मियों में अलग, सर्दियों में अलग, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल, आप जब पाँच साल के थे तो आप इतना तेज नहीं भाग सकते थे, ठीक है। और आप थोड़े बड़े हो चुके हो, तो आप ज़्यादा तेज भाग सकते हो, है ना। तो ये फेज ऑफ लाइफ पे होगा कि जब एज कम थी तो कुछ अलग चीज़ें थी, तो एज ज़्यादा हो गई तो कुछ अलग चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स में, हमने अभी तो अपना एग्जाम्पल लिया समझने के लिए, पर प्लांट्स में क्या है, हेट्रोफिली, प्लास्टिसिटी में हेट्रोफिली देखने को मिलती है। देखो हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली फाइलोटेक्सी याद करो, फिली का मतलब होता है लीव्स, है ना। हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब लीव्स, तो डिफरेंट लीव्स। अब डिफरेंट लीव्स क्यों दिख सकती है, एनवायरमेंट की वजह से दिख सकती है, और फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से दिख सकती है, फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से दिख सकती है, ठीक है। अब एनवायरमेंट की वजह से किस में दिखेंगी, बटर कप में दिखेंगी, ठीक है। एनवायरमेंट मतलब देखो, बटर कप जो है, बटर कप के प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे होती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं, और यही सेम प्लांट अगर वाटर पानी में आ जाए तो लीव्स कैसी, ऐसी दिखने लग जाती हैं एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल फेजेस ऑफ लाइफ या बोल लो एज की वजह से क्या होगा, और ये किसमें दिखेंगी, कॉटन में, ओरिएंडर में और लार्क स्पर में, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो जुवेलाइन मतलब जब वो बच्चा है, जब वो छोटा सा है तो लीव्स की शेप कुछ ऐसी है, जब वो अडल्ट यानी बड़ा हो गया तो लीव्स की शेप क्या है, चेंज हो गई, है ना। सिंपल सी वही है कि एनवायरनमेंट की वजह से लीव्स अलग अलग तरीके की दिखती है, हेट्रोफिली, और फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से भी लीव अलग अलग से दिख रही है, ठीक है। एनवायरनमेंट में एग्जांपल क्या है, बटरकप, और फेजेस ऑफ लाइफ में क्या है, कॉटन, कोरिएंडर, लार्क्स पर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ग्रोथ रेट्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैं इसको डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो कौन सी है, अर्थमेटिक ग्रोथ है और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। पहले देखते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है। देखो बहुत सिंपल है, मान लो हमारे पास ये एक सेल है, अब ये डिवाइड करे तो क्या बना देगी, दो सेल बना देगी। अब इन दो सेल में से क्या हो जाएगा, ये एक सेल हो जाएगी कॉन्स्टेंट, और दूसरी क्या करेगी, फर्दर डिवाइड करेगी, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड करेगी। अब टोटल कितनी होगी, तीन सेल होगी। अब तीन सेल में से क्या होगा, दो कॉन्स्टेंट हो जाएंगी, एक फर्दर डिवाइड करेगी। अब टोटल सेल कितनी होगी, एक दो तीन चार। अब इनमें से क्या होगा, एक फर्दर डिवाइड करेगी और ये एक कॉन्स्टेंट रह जाएगी। मतलब सिंपल सा फंडा है, एक ही सेल आगे डिवाइड करेगी और दूसरी क्या है, अपनी कॉन्स्टेंट होती जाएगी और एक क्या है, डिवाइड करती जाएगी। इतना सा सिंपल सी बात है। और ज्योमेट्रिक में क्या होता है, ज्योमेट्रिक में तो हमें पता है, ऐसे समझो इसको कि एक सेल थी उससे बनी दो, और दो से इधर क्या बनी, इसने दो बना दी, और फिर इसने दो, है ना। मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौंसठ, ऐसे 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 ज्योमेट्रिक, मतलब ये फिर एक्सपोनेंशियली हो जाएगी ना, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। अब देखो अर्थमेटिक ग्रोथ का ये ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये टाइम इधर बढ़ता जा रहा है और इधर हाइट ऑफ प्लांट, एक तरीके से ग्रोथ इधर होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, ये जो हाइट है ये जीरो टाइम पे है, ये जो प्लांट की हाइट है ये जीरो टाइम है। फिर क्या है, एक तरीके से लीनियर जो प्लांट की हाइट है वो टाइम के साथ एक तरीके से लीनियर रिलेशनशिप शो करती जा रही है, लीनियर नहीं बढ़ती जा रही है, ये अर्थमेटिक ग्रोथ है ना। मतलब एक्सपोनेंशियली चीजें नहीं चल रही, लीनियर चल रही है, ठीक है।
नेक्स्ट हम ग्राफ देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, ठीक है। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले है लैग फेज, मतलब कम ग्रोथ होगी, कम ग्रोथ, फिर क्या है एकदम इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी एकदम, है ना, मैंने बोला था ना 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एकदम एक्सपोनेंशियली चीजें बढ़ जाएंगी एकदम, है ना, ये एक्सपोनेंशियल फेज आ गया। अब ये इतना एक्सपोनेंशियल फेज आएगा इतनी ज्यादा ग्रोथ के बाद, आपने और भी कहीं देखा होगा इस टाइप का ग्राफ देखा होगा कि फाइनली एक स्टेशनरी फेज आता ही है ना, फाइनली एक स्टेशनरी फेज आता ही है जहां पे ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, ठीक है। और इस टाइप की कर्वों को क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व या एस कर्व या सिग्मोइड कर्व, ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियल की। क्रिसमस पर आदित्य ने सलीना को रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस पर आदित्य ने सलीना को रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस से याद आएगा जाइलम डिफरेंशिएशन, पर से याद आएगा पार्थेनोकार्पी, आदित्य एडी से याद आएगा एपिकल डोमिनेंस, सलीना से याद आएगा सेल डिवीजन, रोज से याद आएगा रूटिंग और फ्लावर से फ्लावरिंग। देखो गिब्रेलिन हार्मोन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, GBR, ठीक है। गिब्रेलिन हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, GBR, इतनी सी बात याद रखनी है। अब देखो जी से हमें क्या क्या याद आएगा, जी फॉर गन्ना, गन्ना यानी शुगर केन जहां पर भी आ गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ग्रेप्स जहां भी आ गए आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है गोभी, हिंदी में गोभी है, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, कैबेज, तो कैबेज जहां भी दिख गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ग्रोसरी से याद रखना है मार्केट पीरियड कौन इंक्रीज करता है, गिब्रेलिन, एक एक लाइन एनसीईआरटी की बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट बी से देखो बोल्टिंग इफेक्ट जहां पर भी आ गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी माल्टिंग प्रोसेस जहां भी आ गया कि कौन सा हार्मोन यूज होता है तो आंसर है गिब्रेलिन। नेक्स्ट है आर से रोजेट हैबिट जहां भी पूछ लिया गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन, एक एक पॉइंट पूरा एनसीईआरटी का कवर हुआ है अपना। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, देखो साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब सेल और काइनिन का मतलब डिवीजन, मतलब एक बात तो क्लियर है कि साइटोकाइनिन क्या कराएगा, सेल डिवीजन। अब कहां पे कराएगा, देखो सेल डिवीजन इन शूट पार्ट, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखो प्लांट के दो पार्ट होते हैं, रूट पार्ट एंड शूट पार्ट। रूट पार्ट क्या होता है, जमीन से नीचे, और शूट पार्ट क्या होता है, जमीन से ऊपर। तो जमीन से ऊपर प्लांट के किसी भी पार्ट के आगे लिख दिया उन्होंने सेल डिवीजन तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। अब देखो एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट एक एक लाइन कैसे कवर करेंगे, देखो सेल डिवीजन इन शूट बड्स आंसर साइटोकाइनिन, क्योंकि शूट यहां पे लिखा ही आ गया। सेल डिवीजन इन लीव्स, अब लीव्स कैसा पार्ट है, शूट पार्ट है, और सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो आंसर है साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन लेटरल शूट्स, अब यहां पे ऑलरेडी आ गया शूट्स आ गया तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन फ्रूट्स, फ्रूट्स भी कैसा पार्ट है, शूट, मतलब जमीन से ऊपर का पार्ट है, और सेल डिवीजन हो रही है तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी शूट, जमीन से ऊपर का पार्ट है, और क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन एडवेंटिशियस शूट, फिर से शूट आ गया और सेल डिवीजन हो रही है तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। अब ये एक इंपॉर्टेंट लास्ट याद रख लेना, लीफ सेनेसेंस, लीफ की सेनेसेंस, स्पेशली सेनेसेंस में स्पेशली लीफ की पूछ ली जाए तो लीफ कैसा पार्ट है, शूट का पार्ट है तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। लीफ सेनेसेंस पे स्टार लगा लेना, इसको अलग से याद रख लेना। नेक्स्ट देखो अब सीसिक एसिड यानी ए बी ए, इसके फंक्शन को कैसे याद रखें, देखो
जब भी घर के बाहर लड़ाई होती है या घर के बाहर बोल लो दंगे चल रहे हैं, तो घर के दरवाजे कौन बंद करता है? घर के दरवाजे बंद करता है अब्बा, है ना, सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए अब्बा, अब्बा यानी फादर, जो अब्बा होते हैं वो घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब्बा क्लोजेज डोर्स इन स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी घर के बाहर तनाव का माहौल चल रहा है, तो अब्बा ने क्या किया, दरवाजे बंद कर लिए। तो सेम देखो, सेम इसी लाइन को चिपका देना है। डोर्स, डोर्स कैसे दिखते हैं, स्टोमेटा जैसे। जो स्टोमेटा होता है वो आपने देखा होगा डायग्राम में, वो दरवाजे जैसे ही तो होते हैं। तो ए बी ए से हमें याद आएगा अब्सिसिक एसिड क्लोजेज स्टोमेटा इन स्ट्रेस। अब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है स्ट्रेस के माहौल में। और एक इसमें आगे ये भी याद रख लेना कि ए बी ए इज इक्वल टू ए जी ए। ए बी ए यानी अब्सिसिक एसिड और ए जी ए यानी एंटी गिब्रेलिक एसिड। जो ए बी ए होता है वो एंटी गिब्रेलिक एसिड होता है। लास्ट है इथाइलिन। अब देखो इसको आप एफएम करके भी याद रख सकते हो, पर ईएमएफ ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उसमें इथाइलिन भी कवर हो जाता है। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो आपने पढ़ा होगा बायो में यार, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई से याद आएगा इथाइलिन, एम से मोटा, एफ से फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन, फीमेलनेस। अब ये मोटा समझा देता हूं, मोटा मतलब लेटरल ग्रोथ, ये लेटरल ग्रोथ कराता है, वर्टिकल नहीं कराता, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है ना। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक जैसे लग रहे हैं ना, मोटा होना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग मतलब मोटा होना, मतलब ऊपर को ग्रोथ नहीं हो रही प्लांट की, ये साइड वाइज ग्रोथ करा रहा है। और एफ से हमें याद आ जाएगा फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन एंड फीमेलनेस। फीमेलनेस किसमें, ककंबर में, याद रख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब देखो मैं आपको एक कॉमन सेंस की चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखो जो एब्सिशन एंड सिनेसेंस हैं वो प्लांट के लिए हार्मफुल हैं, वो प्लांट के लिए हार्मफुल हैं। तो जो पीजीआर प्रमोटर होते हैं जैसे ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, वो क्या करेंगे, हार्मफुल चीज़ों को रोकेंगे, मतलब इनहिबिट करेंगे इनको, ठीक है। और जो इनहिबिटर हैं जैसे कि ए बी ए, इथाइलिन, वो क्या करेंगे, हार्मफुल चीज़ों को बढ़ावा देंगे, एक तरीके से एब्सिशन एंड सिनेसेंस को बढ़ावा देंगे। अब देखो किस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी ट्रिक के थ्रू, ठीक है। अब हम करने वाले हैं हार्मोन के साइंटिस्ट या उसकी डिस्कवरी, जो भी एनसीईआरटी में दिया है सब, ठीक है। अब वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले है ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई, देखो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल में कुछ ऑब्जर्व किया। मैं रिपीट करता हूँ, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल में कुछ ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व क्या किया, देखो ये है अपना कोलियोप्टाइल, ये है अपना कोलियोप्टाइल, और इधर से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। इस डायरेक्शन से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। अब देखो जिस डायरेक्शन से सनलाइट आई उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में किसकी फॉर्मेशन होती है, ऑक्सिन की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सिन की, है ना। टिप ऑफ कोलियोप्टाइल में सनलाइट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हुई, ऑक्सिन की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब यहां पे ऑक्सिन की फॉर्मेशन हुई तो इस साइड की जो सेल है वो ज्यादा ग्रो कर जाएंगी, वो ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगी, वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी, और इस साइड की सेल में ऑक्सिन नहीं बना तो ये सेल क्या है, छोटी छोटी रहेगी, ठीक है। अब ये सेल साइज में बड़ी होगी तो ऐसे कॉमन सेंस लगाओ कि ये वेट में भी तो ज्यादा हो जाएंगी, वजन में भी तो ज्यादा होंगी, है ना। तो यहां पे वेट वजन ज्यादा हो गया तो ये कोलियोप्टाइल क्या है, उस साइड झुक जाएगा, ये कोलियोप्टाइल उस साइड झुक जाएगा, और कौन सी साइड है, सनलाइट की साइड में ये झुक जाएगा, है ना, सनलाइट की साइड में झुक जाएगा। आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि आप प्लांट को रख दो तो वो सनलाइट की तरफ झुक जाता है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑपोजिट साइड में क्या बना, ऑक्सीजन बना, तो ऑक्सीजन की वजह से सेल यहां बड़ी बड़ी
बड़ी हो गई, और बड़ी बड़ी सेल होने की वजह से ये सनलाइट की तरफ झुक जाता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है कि ऑक्सिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, ऑक्सिन कहां से आइसोलेट या कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ठीक है, ऑक्सिन कहां से आइसोलेट हुआ, कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, और किसने किया, एफ डब्ल्यू वेंट ने किया। ठीक है, एफ डब्ल्यू वेंट ने कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से ऑक्सिन को आइसोलेट किया। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब देखो एनसीईआरटी में आगे एक लाइन लिखी हुई है कि ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ठीक है, अब आप यहां पे पक्का कंफ्यूज होने वाले हो कि यहां पे भी ऑक्सिन आइसोलेट हुआ, यहां पे भी आइसोलेट हुआ। ठीक है, अब यहां पे फर्क समझो, ह्यूमन यूरिन कहां से मिला है, एनिमल से, मतलब यहां ऑक्सिन कहां से मिला है, एनिमल से मिला है, और यहां कहां से, प्लांट से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, प्लांट ग्रोथ। तो ये फर्क समझो, ये फर्स्ट आइसोलेट ये एनिमल से हुआ है। ठीक है, और यहां किससे आइसोलेट किया, एफ डब्ल्यू वेंट ने एक प्लांट से आइसोलेट किया। ठीक है, और ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ऑक्सिन जो है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, बहुत अच्छा यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, ये अपना क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है नेचुरल ऑक्सिन और ये सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल कौन से, IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, और IBA यानी इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये दो क्या है, नेचुरल ऑक्सिन है, और सिंथेटिक ऑक्सिन के एग्जांपल क्या है, NAA यानी नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D यानी 2,4-डायक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ऑक्सिन की डिस्कवरियां यहां पे खत्म हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने गिब्रेलिन पे, ठीक है, अब गिब्रेलिन में याद क्या रखना है, सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि बैकेने या फूलिश सीडलिंग डिजीज हुई थी। ठीक है, एक-एक पॉइंट मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूं। देखो ऐसे, पहला क्वेश्चन, गिब्रेलिन के रिलेटेड कौन सी डिजीज है, बैकेने या फूलिश सीडलिंग डिजीज। दूसरा क्वेश्चन, ये डिजीज किस में हुई, राइस सीडलिंग्स में हुई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कि ये जो डिजीज हुई ये किसकी वजह से हुई, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है एक फंगस जिसका नाम है गिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, देखो फिर से रिपीट करता हूं, गिब्रेलिन के रिलेटेड हम क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि गिब्रेलिन के रिलेटेड एक डिजीज थी कौन सी, बैकेने या फूलिश सीडलिंग डिजीज। अब ये डिजीज किस में होती थी, राइस सीडलिंग्स में होती थी, राइस सीडलिंग्स पे। ठीक है, और किसकी वजह से होती थी, एक फंगस की वजह से जिसका नाम है गिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिब्रेलिन के रिलेटेड एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ई कुरोसावा। ठीक है, ई कुरोसावा ये साइंटिस्ट है गिब्रेलिन के रिलेटेड, एक डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और एक्टिव सब्सटेंस क्या है, देखो ये जब डिजीज इस साइंटिस्ट ने इस डिजीज को ऑब्जर्व किया तो इसमें एक्टिव सब्सटेंस जो डिजीज कॉज कर रहा था वो कौन सा था, गिब्रेलिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो गिब्रेलिन के बारे में, देखो देयर आर मोर देन 100 गिब्रेलिन। देखो फंजाई में और प्लांट्स में 100 से ज्यादा गिब्रेलिन पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी नेमिंग कैसे है, GA1, GA2, GA3 एंड आगे GA4, GA5, GA6, सिंपल सी बात है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना, वो क्या है, GA3 अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्रेलिक एसिड। याद रखना है कि GA3 जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्रेलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब गिब्रेलिन अपना कंप्लीट है, अब बात की जा रही है किसके बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी कैसे कैसी हुई। ठीक है, देखो
बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल देसी तरीके से बात करेंगे, ठीक है। देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एफ स्कूग। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एफ स्कूग। अब एफ स्कूग और उसके को वर्कर ने तोबैको स्टेम में कुछ ऑब्जर्व किया। तोबैको की स्टेम में कुछ ऑब्जर्व किया। देखो, इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ तोबैको स्टेम्स, उसको क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं, ठीक है। टोबैको स्टेम के इंटरनोडल सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। अब कैलस क्या होता है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। देखो, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? ये फर्दर डिवाइड करेगा, मतलब अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, ये आगे डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ऑब्जर्व क्या किया कि कैलस के अंदर जो डिवीजन होगी यानी प्रोलिफरेशन होगी, वो खाली ऑक्सिन की वजह से नहीं हो रही है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि कैलस के अंदर जो प्रोलिफरेशन है या सेल डिवीजन है, वो खाली ऑक्सिन के इफेक्ट से नहीं हो सकती। ऑक्सिन के साथ साथ क्या दिया जाना चाहिए? इन तीनों में से कुछ दिया जाना चाहिए। तीन क्या है? यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए, एंड वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, है ना। ऑक्सिन के साथ साथ इन तीनों में से भी कुछ दिया जाए तो कैलस में प्रोलिफरेशन या सेल्स की डिवीजन हो रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मिलर ने 1955 में ये सब देखा कि हाँ भाई यार, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या सिस्टम है, है ना, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सेल डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस में हेल्प कर लिए। तो उसने क्या किया? उसने एक साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन के प्रमोट करने वाला, सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला सब्सटेंस को क्या किया? एक तरीके से डिस्कवर किया, और उसका नाम क्या था? काइनेटिन। उसका नाम क्या था? काइनेटिन। देखो, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म या सेल, बोलो कि सेल का डिवीजन, काइनेटिन मतलब डिवीजन करने वाले सब्सटेंस को उसने क्या किया? आइसोलेट किया, एक तरीके से आइसोलेट किया, ठीक है। प्लांट में साइटोकाइनेसिस जैसी एक्टिविटी दिखाने वाला प्लांट में कौन सा मिला? जिएटिन मिला, प्लांट में जो नेचुरली पाया जाता है जिएटिन। और कहां से मिला? कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क। अब ये दोनों क्या है? प्लांट है। तो प्लांट से पहला नेचुरली साइटोकाइनेसिस जैसी प्रॉपर्टी, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने वाला कौन मिला? जिएटिन मिला, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ABA यानी अब्सिसिक एसिड में। देखो, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मिड 1960s में क्या हुआ? तीन इंडिपेंडेंट रिसर्च चल रही थी ना, तीन अलग अलग रिसर्च चल रही थी, और तीन रिसर्च में हमें तीन चीजें मिली, क्या? इनहिबिटर बी, अब्सिशन टू एंड डॉर्मिन। इनहिबिटर बी, अब्सिशन टू एंड डॉर्मिन। अब लेटर बाद में पता चला कि इन तीनों का जो फंक्शन है लगभग सेम है, ये लगभग तीनों आइडेंटिकल है। तो यहां से ABA की डिस्कवरी के बारे में ऐसा कुछ हुआ था, इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इथाइलिन के बारे में। देखो, इथाइलिन का तो सिंपल सा फंडा होता है कि मैं खुद पका हुआ हूँ, मैं औरों को भी पकाऊंगा, है ना। सिंपल सा फंडा है इथाइलिन में कि मैं खुद पका हुआ हूँ और मैं औरों को भी पका दूंगा, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एच एच कजिन्स ने क्या कन्फर्म किया कि राइपंड ऑरेंज, मतलब पके हुए ऑरेंज से एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकलता है जो कच्चे अनराइपंड बनाना को पका सकता है, मतलब राइप कर सकता है। सिंपल सी बात है, राइपंड ऑरेंज मतलब मैं पका हुआ हूं, मैं औरों को भी पका दूंगा, अनराइपंड बनाना को भी मैं पका दूंगा। अब एक टॉपिक आता है फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है। देखो, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और पीरियोडिज्म मतलब पीरियड, मतलब लाइट कितने टाइम के लिए मिल रही है, कुछ ऐसा इसका लेना देना है, ठीक है। अब देखो, फोटोपीरियोडिज्म का सीधा सीधा इफेक्ट किस पे होता है? फ्लावरिंग के ऊपर, कि फ्लावरिंग कितनी जल्दी हुई, कितनी लेट हुई, कितनी अच्छी हुई, ठीक है। अब देखो, हमने एक परसेप्शन बना रखी है कि हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि प्लांट को, हमें बचपन से पता है
कि प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो हमने एक परसेप्शन बना ली कि प्लांट का लेना देना सिर्फ और सिर्फ लाइट पीरियड के साथ होता है, पर यह बिल्कुल गलत है। प्लांट के ऊपर डार्क पीरियड का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं कि प्लांट के ऊपर, प्लांट जो फ्लावरिंग करेगा है ना, उस पर लाइट पीरियड का भी फर्क पड़ता है प्लस डार्क पीरियड का भी फर्क पड़ता है ना। और हमने परसेप्शन क्या बना रखी है कि डार्क पीरियड का तो क्या ही लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ लाइट का लेना देना होता है, पर दोनों का फर्क पड़ता है। दोनों का कैसे फर्क पड़ता है? दियर रिलेटिव ड्यूरेशन, रिलेटिव ड्यूरेशन की लाइट कैसी मिल रही है, डार्क कैसी मिल रही है, इनकी आपस में रिलेटिव ड्यूरेशन कैसी है, उसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है प्लांट के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये प्लांट अपने पास तीन टाइप के आगे कैसे कैसे आगे। देखो जो एक मान लो एक क्रिटिकल टाइम फिक्स कर दिया, मान लो सात घंटे हमने फिक्स कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 7 घंटे क्या है, क्रिटिकल टाइम है। ठीक है, अब ऐसे प्लांट जिनको सात घंटे यानी क्रिटिकल टाइम से ज्यादा टाइम तक लाइट चाहिए वो क्या हो जाएंगे, लॉन्ग डे प्लांट। सिंपल सी बात है, लॉन्ग डे मतलब डे में क्या होती है, दिन में क्या होती है, धूप निकलती है, धूप मतलब लाइट, तो लॉन्ग डे मतलब उनको लाइट ज्यादा चाहिए। और शॉर्ट डे मतलब रातें लंबी हो जाएंगी, दिन छोटा है तो रातें लंबी, मतलब उनको क्रिटिकल टाइम से कम लाइट चाहिए। ठीक है, और ऐसे प्लांट डे न्यूट्रल प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनकी फ्लावरिंग का और लाइट का कोई लेना देना ही नहीं है, जिनकी फ्लावरिंग का और लाइट का कोई लेना देना नहीं हो, वो कौन से हो जाएंगे, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, अब इसी में एक चीज आती है। देखो इसी में एक चीज, इसी टॉपिक में एक लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में कि लीव्स के अंदर एक हार्मोन बनता है, लीव्स के अंदर एक हार्मोन बनता है जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन बहुत सिंपल है। देखो फ्लावरिंग के ऊपर लो टेम्परेचर का इफेक्ट, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि फ्लावरिंग के ऊपर लो टेम्परेचर के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, वर्नेलाइजेशन बोलते हैं। अब फ्लावरिंग को ये कैसे इफेक्ट करेगा, क्वालिटेटिवली भी कर सकता है एंड क्वांटिटेटिवली, मतलब क्वालिटेटिव मतलब किस क्वालिटी के फ्लावर आएंगे, कितने मोटे आएंगे, कितने कलरफुल आएंगे, कितना अच्छा उनका कलर होगा, है ना, मतलब फ्लावर की क्वालिटी को भी इफेक्ट करेगा और क्वांटिटी को भी, मतलब कितने ज्यादा फ्लावर आएंगे, कितने कम फ्लावर आएंगे क्वांटिटेटिवली। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या दिए मैं अपनी एनसीईआरटी में, विंटर वैरायटीज ऑफ वीट, बार्ले एंड राई। ठीक है, और बायनियल प्लांट्स कौन से, सुगर बीट, कैबेज, कैरेट। बायनियल प्लांट क्या होते हैं, देखो बाय मतलब दो, मतलब दो साल में क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, तो दो साल ही जी पाएंगे। ठीक है, वो होते हैं अपने बायनियल प्लांट। नेक्स्ट है सीड डोरमेंसी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी मतलब सिंपल सी बात है, सीड जो है वो सो गया, सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, वो एक तरीके से छुप के सो चुका है। ठीक है, सम सीड्स फेल्स टू जर्मिनेट। देखो सम सीड्स फेल्स टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल, मतलब बाहर की जो कंडीशन है, मतलब हवा पानी भी उसका आप अच्छा दे रहे हो, है ना, बहुत अच्छी खाद भी दे रहे हो, पर फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा क्योंकि वो डोरमेंट हो चुका है, सीड सो चुका है। ठीक है, अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं, हार्ड सीड कोट, है ना, सीड कोट अगर बहुत हार्ड हो जाए तो वो क्या है, अंदर से जो एम्ब्रियो अपना है वो बाहर आ ही नहीं पा रहा, ग्रो कर ही नहीं पा रहा, जर्मिनेट हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या है, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स इनहिबिटर। अगर सीड के अंदर केमिकल्स इनहिबिटर्स प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा, सीड डोरमेंट हो सकता है। कौन से केमिकल इनहिबिटर्स, अब्सिसिक एसिड्स, फिनोलिक एसिड्स, पैरा अस्कॉर्बिक एसिड, ऐसे। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस सीड डोरमेंसी को ठीक करने का क्या तरीका है, ठीक है, तो ये नेचुरल तरीके से भी ठीक हो सकती है और मैन मेड मतलब हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, सीड्स कैन बी ब्रोकन बाई मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन यूजिंग नाइफ्स, सैंड पेपर, मतलब
मतलब उसको आप मैकेनिकली उसको फोर्स लगा के उसका क्या कर रहे हो, उसको एक तरीके से तोड़ रहे हो कि वो बाहर जर्मिनेट कर जाए, ठीक है। विग्रस शेकिंग, बहुत तेजी से उसको किसी मशीन में डाल के हिला दिया कि उसका सीड कोट थोड़ा टूट जाए और वो बाहर निकला है, ठीक है। और नेचुरली कैसे, माइक्रोबियल एक्शन, मान लो बैक्टीरिया फंजाई उस पर एक्ट करेंगे तो सीड कोट को वो एक तरीके से क्या मान लो कि तोड़ देंगे, है ना, और वो जर्मिनेट हो जाएगा। और थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल, की एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। अब वो एंजाइम्स अगर सीड कोट को क्या कमजोर कर दें तो भी जर्मिनेट आगे हो सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनहिबिटरी। अब जो देखो ये थे, ये तो अभी तक हमने किए सीड कोट पे अटैक कर रहे हैं, अब ये इन केमिकल्स पे कैसे अटैक करें, इन केमिकल्स पे कैसे अटैक करें, इनको रिमूव किया जा सकता है कैसे, चिलिंग कंडीशन, है ना। चिलिंग कंडीशन मतलब क्या है, उसको बहुत ज्यादा ठंड दे दी, है ना, तो क्या होगा, ये केमिकल जो है अपने रिमूव हो जाएंगे। और कैसे इन केमिकल्स को रिमूव कर सकते हैं, कि सर्टेन केमिकल्स का यूज करते हैं ना, केमिकल्स को हम केमिकल से ही मारेंगे, जैसे गिब्रेलिक एसिड का यूज कर लेंगे, नाइट्रेट्स का यूज कर लेंगे, इनका यूज करने से ये केमिकल क्या है रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और क्या है कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी सीड डोरमेंसी अपनी टूट सकती है, जैसे लाइट एंड टेम्परेचर और अदर मेथड टू ओवरकम सीड डोरमेंसी, मतलब हम लाइट का और टेम्परेचर का कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, इस कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे कि सीड डोरमेंसी जो है अपनी ओवरकम हो जाए, ठीक है। यहां पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है।